हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स डोज ऑफ 3rd of June। तो ये आपके करंट अफेयर्स रहने वाले हैं 3rd of June के। एंड अगर आप चाहते हैं इस पूरे सेशन का आपको हैंड रिटन PDF प्रोवाइड कराया जाए, देन हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट है यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म जो है किवी, वो लॉन्च करने जा रहा है क्रेडिट ऑन UPI, यानी कि आपके UPI पे आपको क्रेडिट दिया जाएगा। यानी कि जैसे आप क्रेडिट कार्ड में अमाउंट क्रेडिट में कर लेते हैं, यानी कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं होता तो भी आप पेमेंट करते हैं, बट डेबिट कार्ड में क्या होता है, पैसा होता है तभी हम पैसे की पेमेंट कर सकते हैं, पर इन क्रेडिट कार्ड आपको लिमिट मिली होती है एंड उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, एंड विद द एंड ऑफ द मंथ आपको उस पेमेंट को पे करना होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आपको UPI पे भी क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए पे ये एक सर्विस आ रही है जो कि किवी के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि एक क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म है। देन नेक्स्ट है इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो कोलैबोरेशन करने जा रहा है IBM के साथ में टू बिल्ड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। सो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो कोलैबोरेशन करने जा रहा है IBM के साथ में। सो इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई तमिलनाडु, MD एंड CEO है वासुदेवन PN। देन नेक्स्ट है इंडिया जो है उसने अप्रूव किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम इन कोऑपरेटिव सेक्टर एट द कॉस्ट ऑफ ₹1,00,000 करोड़। सो याद रखिएगा, इंडिया ने अप्रूव किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम जो कि होने वाली है कोऑपरेटिव सेक्टर की एट द कॉस्ट ऑफ ₹1,00,000 करोड़, जिसकी कॉस्ट होने वाली है ₹1,00,000 करोड़। ठीक है, द नेक्स्ट है इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जो कि ऑर्गेनाइज की जाएगी मेघालय में। सो याद रखिएगा, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच की जो भी कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो कहां पर ऑर्गेनाइज होने वाली है, मेघालय में ही ये ऑर्गेनाइज होने वाली है। द नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स जो है वो सेलिब्रेट करने जा रही है सक्सेसफुल 3 ईयर्स। सो 3 ईयर्स जो सक्सेसफुल हुए हैं आपके PM स्वनिधि स्कीम के, उसके 3 ईयर्स सेलिब्रेट करने जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। एंड इसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। एंड ये जो PM स्वनिधि स्कीम है वो लॉन्च की जा रही है 1st of June 2020 को। ठीक है, द नेक्स्ट है नागपुर के एम्स हॉस्पिटल जो है वो बना है कंट्री का फर्स्ट हॉस्पिटल टू गिव नब एक्रीडेशन। सो नेब एक्रीडेशन मिलने वाला पहला ऐसा हॉस्पिटल बना है हमारी कंट्री का, जो कि है नागपुर का एम्स हॉस्पिटल। नब का फुल फॉर्म है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स। ठीक है, द नेक्स्ट है गवर्नमेंट जो है वो सेल करने वाली है अप टू 3% स्टेक फॉर कोल इंडिया। सो कोल इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो 3% का स्टेक जो है वो सेल करने वाली है वाया ऑफर फॉर सेल। ठीक है, द नेक्स्ट है महाराष्ट्र का अहमदनगर जो है वो उसका नाम दोबारा से कर दिया गया है अहिल्यानगर। सो जो महाराष्ट्र का अहमदनगर था उसका नाम अब चेंज होकर के हो गया है अहिल्यानगर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट, महाराष्ट्र कैबिनेट जो है उसने अप्रूव किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी। सो जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी जो है वो अप्रूव की गई है महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, देन नेक्स्ट है NGEL एंड UPRVNL जो है वो कोलाबोरेट करके बनाने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स एंड प्रोजेक्ट्स। सो रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स एंड प्रोजेक्ट्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे और बाय द कोलाबोरेशन ऑफ NGEL एंड UPRVNL। ठीक है, देन नेक्स्ट है NHPC एंड VUCL और नेपाल मिलकर के साइन करने वाले हैं एक MOU फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फुकोट कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि होने वाला है नेपाल में। सो फुकोट कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि नेपाल में बनने वाला है, उसके लिए NHPC, VUCL और नेपाल ने MOU साइन किया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि नेपाल में फुकट कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने वाला है। नेक्स्ट, उबर ने पार्टनरशिप किया है विद GEM पोर्टल। सो याद रखिएगा, उबर ने पार्टनरशिप किया है GEM पोर्टल के साथ में ताकि ये टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके गवर्नमेंट ऑफिसेज को, एजेंसीज को, PSUs को एट फिक्स्ड प्राइस। सो फिक्स्ड प्राइस में ये टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, उबर पार्टनरशिप कर रही है GEM पोर्टल के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है अजय यादव जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है एज न्यू MD ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो याद रखिएगा, अजय यादव जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है,
द नेक्स्ट है के कृति वसंत जो है उन्होंने चार्ज लिया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ टीसीएस। तो टीसीएस के एमडी एंड सीईओ किन्हें बनाया गया है? टीसीएस के एमडी एंड सीईओ बनाया गया है आपके के कृति वसंत जो है उन्होंने चार्ज लिया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ टीसीएस। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का जो बोर्ड है उसने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बत्रा को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो ये पहले भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था आईसीआईसीआई बैंक के, एंड दोबारा से इनका रीअपॉइंटमेंट किया जा रहा है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर टू ईयर्स के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जो कि हैं अतुल वर्मा, उन्होंने 3 मंथ्स का एक्सटेंशन लिया है। सो याद रखिएगा सीसीआई के डायरेक्टर अतुल वर्मा का जो है 3 मंथ्स का एक्सटेंशन हुआ है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया आपका डेली करंट अफेयर्स जो कि मैं लाती हूँ आप सभी के लिए। एंड अगर आप हैंड रिटन पीडीएफ का नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेली अपडेटेड पीडीएफ वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। एंड आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। सो अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर it with your friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.